हमारी फैकल्टी ने हमें स्ट्रैटेजीज दी थी बेसिकली जो सेंटर्ड थी, मतलब हमारी मॉड्यूल्स फिर से सॉल्व करना और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की. सो मैंने उसी को फॉलो किया था. जब मैं इनिशियली सिलेबस अपना कवर करी थी तो मैंने तीनों को इक्वल टाइम ही दिया था, बट जेई मेन की प्रिपरेशन से एक महीने पहले मैंने केमिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया. स्कोर बेसिकली आइलैंड का एक डिटेल्ड प्लान होता है, मतलब आपको डेली पता, डेली आपके लिए टारगेट सेट हो जाते हैं कि आपको आज क्या क्या सॉल्व करना है. सो मतलब वो हमारा पूरा टारगेट सेट कर देते हैं, हम सॉल्व करते हैं और अपने डाउट्स पूछते हैं, तो हम टीचर्स क्लियर कर देते हैं और फिर टेस्ट भी होते रहते हैं पीरियडिकली. पहली बात तो कोटा का माहौल बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा होता है. फिर मुझे केमिस्ट्री में स्पेशली प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सुना कि आइलैंड कोटा में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट जो है बड़ा अच्छा, मतलब बिल स्ट्रक्चर है, अच्छा पढ़ाते हैं, सेपरेटली पढ़ाते हैं फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर दैट. आई फील कि दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को इतनी सेपरेट अटेंशन नहीं दी जाती जितनी आइलैंड में दी जाती है. कोविड और लॉकडाउन की वजह से मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि स्कूल और टीचर्स ने काफ़ी अच्छी तरह से सारा एकेडमिक पार्ट मैनेज कर लिया था, तो मुझे एज सच एकेडमिकली कोई कमी नहीं लगी. रिक्रिएशन के लिए मेरे लिए मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं गाने सुन लेती हूँ एंड ओकेजनली यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देख लेती हूँ. आई वुड मतलब प्रेफरेबली आई आई टी बॉम्बे, आई आई टी दिल्ली से मैं कंप्यूटर साइंस पर्स्यू करना चाहती हूँ.